नमस्कार दोस्त, नेपाल के राजनीतिक दिशा में एक बड़ा मोड़ आया है। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने मतभेदों के कारण नेपाली कांग्रेस के साथ अपनी लगभग 15 महीने की साझेदारी को समाप्त करने के बाद सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री केपी शर्मा ओली के पार्टी के साथ एक नया गठबंधन बनाने का फैसला किया है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता ने कहा कि प्रचंड के नेतृत्व वाले CPN और शेर बहादुर देवा के नेतृत्व वाली नेपाल कांग्रेस के बीच गठबंधन समाप्त हो गया है, क्योंकि दोनों शीर्ष नेताओं के बीच मतभेद काफी गहरे हो गए हैं। CPN के महासचिव गणेश शाह ने बताया, नेपाली कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के साथ सहयोग नहीं किया, इसलिए हम नया गठबंधन की तलाश करने के लिए मजबूर हैं। प्रचंड 25 दिसंबर 2022 को नेपाली कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे। प्रतिनिधि सभा में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद प्रचंड ने ओली के नेतृत्व वाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से हाथ मिलाने का फैसला किया है। हालांकि ओली को प्रचंड का आलोचक माना जाता है। पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दल के उम्मीदवारों को समर्थन देने पर मतभेद के बाद CPN UML ने प्रचंड की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। CPN UML के उपाध्यक्ष सुरेंद्र पांडे ने कहा कि नए कैबिनेट का गठन सोमवार दोपहर को किया जाएगा और कैबिनेट के आकार छोटा होगा। कुछ परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन के मुद्दे पर नेपाली कांग्रेस नेता एवं वित्त मंत्री रामशरण महत और प्रचंड के बीच मतभेद बढ़ने के बाद दोनों दलों के बीच दरार बढ़ गई। CPN UML के अध्यक्ष ओली ने सोमवार को प्रधानमंत्री के आवास पर प्रचंड से मुलाकात की और एक नया गठबंधन बनाने से संबंधित मामलों पर चर्चा की। यह नया गठबंधन नेपाल की राजनीति को एक नई दिशा दे पाएगी, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे क्लिक इंडिया। धन्यवाद।